हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हालचाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बात कर लेते हैं चबूतरा मैडम के व्लॉग के बारे में। जिस तरह से चबूतरा मैडम ने बताया कि उसके व्लॉग में एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी आई है, यानी कि उसने साफ साफ अपनी प्यारी सी भाभी जान को शेड किया है, क्योंकि और सिर्फ भाभी को नहीं भैया को भी साथ में शेड किया है। बिकॉज़ ये दोनों हमेशा अपने आप को एज अ सेलिब्रिटी प्रिटेंड करते हैं। मुंबई में रहते नहीं हैं, लेकिन फिर भी मुंबई का गुणगान गाते हैं कि हम मुंबई के वासी हैं, मुंबई के वासी हैं। बिकॉज मीरा रोड मुंबई के अंदर नहीं आता, ये बात तो सब जानते हैं। एंड चबूतरा को अच्छा खासा उन बच्चों ने शेड कर दिया जो कि इसके व्लॉग में सबसे स्टार्टिंग में आए थे। दो बच्चे इससे मिलने के लिए आए थे इसके प्यारे से रेस्टोरेंट में फ्रेंड्स, लेकिन चबूतरा वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। इस वजह से वो लोग सिर्फ गुटका किंग से मिल पाए। एंड उन लोगों ने ये कहा कि प्लीज़ हमारे इस क्लिप को आप अपने व्लॉग में अटैच करना, प्लीज़ अपने व्लॉग में दिखाना। तो चलो, ये चीज़ें इन लोगों ने की। उन दोनों बच्चों का जो पिक्चर है, जो वीडियो शूट हुआ था, वो सब इसने अपने व्लॉग में दिखाया। एंड उन बच्चों ने ये बात कही कि हम बहुत दूर से, यानी कि हम मुंबई से आपसे मिलने आए हैं। तो बच्चों को भी पता है कि मीरा रोड मुंबई के अंदर नहीं आता। तो ये चीज़ चबूतरा के लिए बहुत ही शर्मनाक साबित हुई। उसे समझ में आ गया कि बच्चे अच्छा खासा इसे शेड कर रहे हैं। तो खैर, बात हो गई चबूतरा एंड उन बच्चों के बारे में। बात मैं कर रही थी सेलिब्रिटी के बारे में कि जिस सेलिब्रिटी को इसने बुलाया एंड अपने थंबनेल पे ये चीज़ लिखी कि फर्स्ट टाइम हमारे रेस्टोरेंट में कोई सेलिब्रिटी आया है, इट मीन्स ये अपने भाई भाभी को सेलिब्रिटी नहीं मानती। अरे, भाई भाभी से एक बात याद आया कि भाई भाभी आजकल बहुत गायब गायब है, कहीं नज़र नहीं आ रहे, दूर दूर तक उनकी कुछ खबरें नहीं है। ऐसा क्यों? कोई सीरियस टॉपिक चल रहा है क्या मैडम साहिबा? यस यस गाइस, फाइनली मेरी बात के बारे में, मतलब बात हो ही गई। मैं क्या ही बोलूँ गाइस, मैं ना अपनी गोटा पट्टी वाली सूटम सूट में ना बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ। मतलब मैं और मेरी जनाब, हम दोनों मिल करके, हम दोनों ने जो सपना देखा था ना गाइस, वो सपना बहुत जल्द पूरा होने वाला है। जी हाँ गाइस, वो गोटा पट्टी वाले लेसम लेस वाले सूट्स की जो डिज़ाइंस है ना, वो मैं आपके लिए लेकर के आ रही हूँ। बस उसी सब चीज़ों में मैं थोड़ी सी व्यस्त हो गई हूँ गाइस। यस गाइस, इसलिए आजकल मैं रूहान को भी ना अपनी अम्मी को दे देती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा गाइस। यस गाइस, मुझे पता है आप लोगों ने देखा है मेरी प्यारी सी ननद के व्लॉग में। आप लोगों ने देखा ना, मैंने रूहान को कैसे नीचे भेज दिया अम्मी के पास, बिकॉज मैं बहुत बिजी हूँ गाइस। यस गाइस, मेरा सूटम सूट का जो सपना है ना, वो लेसम लेस वाला जो हम समीर भाई के यहाँ से करवाते हैं, वो मेरा सपना पूरा होने वाला है गाइस। बस इसीलिए मैं बिज़ी हूँ गाइस। मैं क्या ही बोलूँ, मैं जानती थी आप लोगों को मेरी याद आएगी। बस गाइस, थोड़ा सा समय मुझे दे दीजिए, मैं बहुत जल्द आऊँगी अपने ब्लॉग के साथ में एंड सूटम सूट लेसम लेस वाले सूट के साथ में गाइस। ओके गाइस, तब तक मेरी चबूतरा का, सॉरी मेरी प्यारी ननद जो मेरी बेटी जैसी है, मेरी बहन जैसी है, मेरी फ्रेंड जैसी है, उसके ब्लॉग में कंटिन्यू रहिए गाइस। ओके, तो सुन लिया आप लोगों ने, मैडम साहिबा एंड जनाब दोनों अभी लेसम लेस वाले गोटा पट्टी वाले सूटम सूट में व्यस्त हैं। उनका जो नया अभी एक शॉप बोल लो, या फिर एक कुछ नई चीज़ या कोई नया काम या बिजनेस जो भी आप कह लो, वो स्टार्ट होने वाला है, उसमें मैडम बहुत ज़्यादा व्यस्त हो चुकी है। इसी वजह से जो नहीं होने का वो भी हो गया। जो मैडम अपने बच्चे को एक सेकंड के लिए भी किसी के पास नहीं छोड़ती, वो अपने बच्चे को नीचे भेजती है अम्मी के पास में कि आप अम्मी मेरे बेटे को संभालो, एंड मैं अपने सूटम सूट में व्यस्त हो जाती हूँ। मतलब ऐसा तो आज तक देखने को नहीं मिला। मैडम साहिबा अपने बच्चे को अम्मी को छूने तक नहीं देती, मुश्किल से आधे घंटे संभालने तक नहीं देती, लेकिन नीचे बिना किसी की गैर मंजूरी में, मैडम के गैर हाजिरी में अम्मी जो है वो रूहान को खिला रही है, उसके साथ में मस्ती कर रही है, ज़मीन पे बैठा करके उसके साथ में खिलौने खेल रही है। तो ये सब चीज़ें हो रही है, यानी कि मैडम बहुत ज़्यादा व्यस्त है। एंड मैडम के चक्कर में उनका जो लट्टू जनाब है, वो भी उसके पीछे पीछे दुम हिलाता हुआ कहीं ना कहीं व्यस्त होगा। बिकॉज़ उस नल्ले के पास तो काम है ही नहीं, उसके पास में सिर्फ
एक ही समय में काम होता है, पूरे साल लल्ला निकम्मा वाला नाकारापन करने के बाद मुश्किल से 1 से 2 महीने कुछ ना कुछ काम उसे मिल जाता है जो करके वो पूरा साल यूं ही बिता देता है। तो इन्हीं सब चक्कर में लगता है मैडम एंड जनाब काफ़ी व्यस्त है, इसलिए वो दोनों ना तो नज़र आ रहे हैं ना उनका व्लॉग नज़र आ रहा है। तो खैर चलिए, बात हो गई जनाब एंड मैडम के बारे में, उनके नल्ले निकम्मे पति के बारे में, लेकिन यहाँ फ़िलहाल थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं गुटखा किंग के बारे में भी, कि जिस तरह से गुटखा किंग और चबूतरा उस सेलिब्रिटी के आने से पहले एक इवेंट पे गए थे, एक इनॉग्रेशन पे गए थे जहाँ पे उनको ही वो जो है वो कट रिबन कट करना था। वहाँ आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस किया होगा कि गुटखा किंग की जो तबीयत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, मतलब वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है, बहुत ज़्यादा वो टेंशन में तो नहीं कह सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा व्यस्त रहने लगा है, बहुत ज़्यादा थका हारा रहने लगा है। इसी वजह से आप लोगों ने देखा हो कि वहाँ जाते के साथ वो बैठ गया, एंड उसकी इसी इम्प्रेशन को देख करके, इनसी यही सब चीज़ देख करके ये चीज़ जेन्युइनली लगी कि हाँ वो सच में उसकी तबीयत ख़राब है, वो सच में बहुत ज़्यादा थक चुका है। बिकॉज 24 घंटे वो तो रेस्टोरेंट में ही रहता है, अधिकतर टाइम वो रेस्टोरेंट में रहता है, कभी कभार अगर स्टाफ बिज़ी हो जाते हैं तो आधा से ज़्यादा काम वो खुद ही करता है, उसके बाद में कोई ना कोई आते रहा तो हमेशा उससे मिलना, पिक्चर्स क्लिक करवाना, कुछ भी ऊपर नीचे हुआ, कोई सामान लाना, ये वो मैनेजमेंट का सारा काम करना, मतलब काफ़ी कुछ रेस्टोरेंट का वही संभालता है। फिर वहाँ से घर आने के बाद वो अपना बचपने वाले अंदाज़ में, यानी कि क्रिकेट खेलना जो उसका बचपन से शौक़ है, वो शौक़ पूरा करता है। फिर चबूतरा उसे ज़बरदस्ती जिम ले करके चली जाती है। तो कहने का यही मतलब है कि वो बंदा बहुत ज़्यादा थक चुका है, उसे जिम की ज़रूरत नहीं है। चबूतरा चाहे तो जिम वो अकेले ही जा सकती है, उसे गुटखा किंग को साथ में ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिम में कोई उसका अपहरण नहीं कर लेने वाला है कि उसे एक आदमी की ज़रूरत है, उतने लोग जिम में रहते हैं। हाँ ये अलग बात है कि उसका फ़ोटोशूट जिम में कौन करेगा, उसके लिए उसे एक मेम्बर चाहिए, तो वो किसी को भी ले जा सकती है, किसी को भी अपने साथ ले जा सकती है, चाहे रिज़ा हो, चाहे रेहान हो, चाहे उसकी अम्मी हो, या फिर जो कृष्णा है उसे लेकर के जा सकती है फ़ोटोशूट करने के लिए, पिक्चर्स क्लिक करने के लिए, या फिर भगवान ने दो दो हाथ दिए हैं, एक हाथ से खुद भी पिक्चर क्लिक कर सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि सामने कोई दूसरा बंदा होना ही चाहिए। लेकिन इस बंदी को सिर्फ अपने आप से मतलब है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, इसे फ़र्क नहीं पड़ता कि इसके हस्बैंड की तबीयत ख़राब है, वो वीकनेस फील कर रहा है क्योंकि उसकी बीपी भी बीच में लो हो चुकी थी, उसके बाद भी ये उसे ज़बरदस्ती अपने साथ में जिम लेकर के गई थी, तो इसे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी तबीयत क्या है, कैसी है, नहीं है, इसे सिर्फ अपने आप से मतलब है कि वो कुछ भी हो जाए, भाड़ में जाए, मुझे उससे मतलब नहीं है। साथ ही साथ ब्लॉग में अपने भाई भाभी को शेड करना ताकि व्यूज़ अच्छे आ जाए, इसका कहने का तो यही मतलब था कि अगर फर्स्ट सेलिब्रिटी पहली बार इसकी दुकान पर आए हैं, सॉरी कि रेस्टोरेंट पे आए हैं, तो इसका मतलब इसके भाई भाभी सेलिब्रिटी नहीं है, ये तो वही कह रही थी। तो वो वही बात हो गई ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, अगर घर में ही सेलिब्रिटी है, घर में ही कोई हीरो हीरोइन है, तो लोगों की वो उसकी कदर ही नहीं होती, वो दूसरे को ही ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, दूसरे के बारे में ही ज़्यादा सोचते हैं। तो वही चीज़ चबूतरा ने भी की कि उसके खुद के भाई भाभी सेलिब्रिटी है, लेकिन फिर भी उसने लिखा कि फ़र्स्ट टाइम हमारे रेस्टोरेंट में कोई सेलिब्रिटी आया है, उनसे मिलने के लिए मैं बहुत बेचैन हूँ, डर रही थी, ये हो रही थी, वो हो रही थी। तो यहाँ उसने अपने भाई भाभी को अच्छा शेड किया। अब देखना तो ये है कि मैडम साहिबा चबूतरा को कितना शेड करती है, बिकॉज इसने भी यूट्यूब के पैसे से बिज़नेस खोल लिया, एंड मैडम साहिबा ने भी यूट्यूब के पैसे से बिज़नेस खोलने का जो पूरा षड्यंत्र है वो रचा है। तो अब देखिए कि इन फ्यूचर आगे कौन किसे कितना ज़्यादा शेड करता है। तो बस चलिए, आज का ये पॉडकास्ट यहीं पर एंड करेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे आप लोगों से एक नए पॉडकास्ट पे। सो गाइस, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा, एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।